अध्याय चार कक्षा दस के लिए द्विघात समीकरण। पिछली बार आपको याद होगा हमने आपको 4.1 समझाई थी द्विघात समीकरण, 4.1 उसका पहला सवाल और दूसरा सवाल हमने लिया था, दूसरे का फोर्थ पार्ट वो रह गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कि सर वो भी हमें समझा दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए 4.1 का जो पेज नंबर हिंदी मीडियम की बुक्स पे 82 पेज नंबर पे 82 निकालिएगा आप लोग। सवाल हम बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस सवाल में वही समीकरण बनाना है हमें। दूरी दी गई है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी है, रेलगाड़ी की चाल माना, रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यह रेलगाड़ी की सामान्य चाल है। अच्छा बच्चों समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल, लिख भी देते हैं हम, दूरी डिवाइडेड बाय चाल। दूरी 480 डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये किलोमीटर पर आवर में है ना बच्चों, ये किलोमीटर है, तो एक्चुअल में यहां पे भी किलोमीटर से किलोमीटर चेंज हो जाता है और ये आवर ऊपर आ जाता है। जैसे x अपॉन y, तो ये x अकेला है, y बटे x, x से x कट गया, तो यहां इसकी यूनिट जो है ना ये आ जाती है आवर, जो y की जगह थी प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे समय घंटे में यानी आवर्स में है। इधर क्या है बच्चों? दूसरी तरफ नई चाल किसकी? रेलगाड़ी की। वो इन्होंने सवाल में लिखा है बच्चों, मैं मन से नहीं बता रहा हूं। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती है तो यहां पे नई चाल x-8, यूनिट लिखने की आदत बनाइए, तब समय, तो समय, तो लिख दो आप, ये दूसरा समय हो गया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र आपके सामने है, 480 डिवाइडेड बाई x-8, 480 दूरी, और अब की बार जो चाल है वो x-8 है। अब बच्चों सुनो, सबसे कीमती लाइन में अब लिख रहा हूं कि एक समय यह है और दूसरा समय यह है। सवाल में कह रहा है कि इसमें 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो यह समय ज्यादा है। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर कम स्पीड धीमी स्पीड से चलोगे वक्त ज्यादा लगेगा, यह तो सामान्य बात है। तो यहां इसमें और इसमें फर्क 3 घंटे का है, तो कभी कभी यह ध्यान रखना, यह माइनस ये बराबर 3 करना है या ये माइनस ये बराबर 3 करना है, ये सबसे कीमती लाइन है। अगर ये ठीक है तो ठीक है। और सुनो, ये 6 नंबर के लेवल का सवाल बन सकता है बच्चों। आप लोगों के इस द्विघात समीकरण में 6 नंबर का सवाल आने वाला है। आपके 26 से 30 नंबर के जो प्रश्न संख्या है वो पांच सवाल 6-6 नंबर के, 6×5=30, तो 30 नंबर तो यहां से ही निकाले जा सकते, उन्हीं में से एक ही है द्विघात समीकरण। समझिए ध्यान से, ये पेपर के क्रमांक बता रहा हूं, 30 प्रश्न की संभावना है वही, अगर कोई चेंज हुआ तो बात अलग है, नहीं तो 30 प्रश्न इनमें से 26 से 30 6-6 अंक के,
तो अगर वो 6×5=30 ले लेते हैं और स्कूल से गए हुए मार्क्स तो पास तो वैसे ही हो जाएंगे। समय 480/x-8, 480/x, तो यहां पे ये समय माइनस ये हम माइनस कर रहे हैं प्रश्नानुसार। फोर एटी अपॉन एक्स माइनस एट, ये वाला समय ज्यादा है, इसमें से ये वाला समय अगर हम घटाएं तो प्रश्न वाला कह रहा है 3 घंटे का फर्क आता है। आप ये बराबर इसको उधर अगर माने तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी 480 अपॉन एक्स प्लस 3 वो बराबर के उधर की तरफ है। अब ये सबसे कीमती लाइन है बच्चों, अगर ये सही है तो आगे सही जाने की संभावना है। अब लघुत्तम लेके और हले इसको हम कर लेते हैं, आइए इसी जगह पे लघुत्तम लें, एक्स माइनस एट एक्स, तो यहां एक्स माइनस आठ से एक्स बार गया तो ये 480 एक्स, माइनस का चिन्ह माइनस यहां आ गया, 480 और ब्रैकेट में एक्स माइनस आठ, एक्स माइनस आठ बराबर 3। पुनः पुनः सुन लीजिए, एक्स माइनस आठ और एक्स दोनों एलसीएम में आ गए, इसको चाहे तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते थे, x माइनस एट से डिवाइड किया x बार गया, x को 480 से गुणा किया 480x, माइनस का चिन्ह ये रहा, यहां x का भाग x माइनस आठ बार गया, x माइनस आठ को 480 से गुणा करके अभी ब्रैकेट के अंदर और बाहर ऐसे छोड़ दीजिए एक साथ, दो काम मत कीजिए नहीं तो आप क्या, हम भी प्लस माइनस की गलती कर सकते हैं बच्चों, तो प्लस माइनस की गलती से बचिए, ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। यस, यहां तक तो उतार लीजिए, इसका थोड़ा सा पार्ट और रह गया वो भी हम समझाएंगे, चिंता नहीं करिए, उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, इसके आगे का थोड़ा बहुत पार्ट हम इधर की तरफ समझा रहे हैं आपको, यस कुछ हमारे साथी अभी उतार रहे हैं, उतारते रहिए उतारते रहिए। 480x माइनस, आइए ब्रैकेट से इसको गुणा करें, 480x माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस, इसको इससे गुणा करना है तो 0, ये 64, 6, 8 चौक 32 और 6 38, 3840 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब x को दोनों से गुणा कर दीजिए या भी लगा सकते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाइए, बराबर में क्या था ये वाला 3। अब यहां 480x से 480x प्लस और माइनस कैंसिल। यहां पे बच्चों एक बात थोड़ा सा ध्यान दो कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x अभी मैं इसे 3 से गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा और फिर इसमें भी 3 से भाग जा रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप थोड़ा सा वक्त बचाइए, अदरवाइज क्या पूरे समीकरण को हमें 3 से भाग देना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, 3840 और 3 ब्रैकेट के बाहर ही लिख रहा हूं, गुणा नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो 3 का इधर भाग लगाऊंगा 3840 में, 3840 में। देखिए अब इधर 3840 बच्चों दिख तो रहा है क्लियर आप लोगों को, ये देखो 3840 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यही 3 कूद के इधर आया बच्चों, जंपिंग जंपिंग, और ये 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दुनी 6,
तीन अट्ठे चौबीस और शून्य का शून्य। तो अगली लाइन हमारी हुई, इसको उठा के उधर ले जाइए बच्चों, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखिए आप, नेगेटिव मत बनाइए उसको, और इसको उठा के इधर ले आए हम माइनस 1280, माइनस 1280 बराबर शून्य। वो शून्य इधर रहा एक ही बात है। ये हमारे इस दिए हुए सवाल के समीकरण बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स माइनस 1280। और अब सुनो बच्चों, ये तो हो गया उत्तर इसका, समीकरण बनाना था। आइए आंसर शीट से चेक करें इसको, और बच्चों सुनो, आंसर में उसने एक्स नहीं लिया, यू ले लिया। तो यू वी कुछ भी लिया जा सकता है, आपके विज्ञान में आता है ना वी बराबर यू प्लस 80, तो वो उस तरह से इन्होंने ले लिया। तो यू स्क्वायर माइनस एट यू माइनस 1280 इज इक्वल टू जीरो, तो वहां यू लिया हुआ है, हमारा यहां एक्स लिया है, एक ही बात है, कोई जरूरी नहीं हम भी यू ले। यस, अब देखो अब बच्चों सुनो, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्राज में आपको है ना ये भी बता देता हूं कि इसके गुणनखंड कैसे होंगे, ये एक्स्ट्रा बोनस में बता रहा हूं मैं आपको सवाल की, ये क्या ये सवाल एग्जाम में अगर आ गया तो आप छह नंबर का है तो हल तक पहुंचाओगे उसको, तो ये एक्स्ट्राज है, एक्स्ट्राज, ठीक है, बोनस में दे रहा हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 1280 इज इक्वल टू जीरो। आइए त्रिपदीय गुणनखंड भी हम इसमें समझा दें, और वो एक श्रीधराचार्य एक सूत्र और है बच्चों, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। जो बच्चे पहले इसको कर चुके वो तो मेरी भाषा समझ गए, बाकी समझा देंगे हम जब ये आएगा। यहां पे देखो बच्चों, 8 का अंतर चाहिए गुणा 1280, तो अगर आप इसके बारे में ख्याल करें गुणा 10, तो ये दो के टुकड़े होते हैं इसमें, दो 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 सात बार, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी 32 दुनी 64 दुनी 128, दो की घात 7, और एक इधर से भी दो आ गया निकल के। तो इसमें आप थोड़ा सा टुकड़ों का अवलोकन करोगे ना, तो बच्चों 8 का अंतर चाहिए, और दो गुणा दो में 8 तो कई बार मिल ही जाएगा, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 32×40 आपको मिल जाएगा, 32×40 1280 और जीरो का जीरो है ना, 128 32×4 हो गया, शून्य का शून्य। तो आप थोड़ा सा टुकड़े तेजी से प्रैक्टिस किया करो, इसीलिए मैंने 30 सवाल करवाए थे आपको कि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस बने। अब आप में से जितनों ने प्रैक्टिस की उनकी तो बन गई, बाकी कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू जीरो। आइए एक्स कॉमन, एक्स माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, एक्स माइनस 40 बराबर जीरो। तो एक्स माइनस 40 एक्स प्लस 32 बराबर जीरो। तो इधर चाल है बच्चों, ये चाल, तो यहां पे माइनस तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, ऋणात्मक मान हम छोड़ देंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसको चेक भी कर सकते हैं हम, देखो 480 में अगर हमने 40 का भाग दिया, 12 घंटे का वक्त लगा, और अगर हमने 480 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे ना बच्चों, तो 15 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटे ज्यादा लगे ना, अरे 3 घंटे ज्यादा लगे ना, 40 से 32 कर लिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने स्पीड कम कर ली, तो ये ओके चेक कर सकते हैं। आप में से जो 80% 90% लाइक स्टूडेंट्स चल रहे हैं, वो इस बात पे गौर करना बच्चों, ये चीज आपको एक्चुअल में ना बुक्स में मिलेंगी नहीं, आप कहीं गाइड बुक साइड बुक कोई रेफरेंस बुक वगैरह भी अगर देख रहे होंगे तो ये चीजें उसमें अवेलेबल रहती नहीं है बच्चों। तो खैर जो भी है, आप तो ये ध्यान रखिए, ये एक्स्ट्राज हम समझा रहे हैं, और अब हम जल्द ही आप लोगों को अगली 4.2 जिसके शुरुआती सवाल गुणनखंड विधि से सवाल हल करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ये एक्स्ट्राज वाला पार्ट नहीं उतारा है, वो भी कर लीजिए, हम तो इसको उत्तर तक ले जा रहे हैं बच्चों, सवाल का आंसर शीट बुक के हिसाब से तो यही है।
हम अगर ये 6 नंबर का प्रश्न आ गया तो हल तक पहुंचाना पड़ेगा और अंतिम लाइन अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 4.2 बच्चों सुनो, ये तो आप उतारिए यहां तक तो, और 4.2 के प्रश्न बस हम अभी अंतराल के बाद में आपके बीच के ब्रेक के बाद में लेने वाले हैं, आप इसको उतारिए जल्दी से। और एक बच्चों सुनो, आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, खासतौर से एक छठा त्रिभुज वाला चैप्टर मुश्किल है, एक आठवां त्रिकोणमिति पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो जो 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे YouTube के वीडियो से उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास में वाईफाई है मोबाइल पे अच्छी खासी तरह से देख सकते हैं, अगर अच्छा खासा मोबाइल है, अदरवाइज कंप्यूटर पे लैपटॉप पे उस पे देख सकते हो आप। और पिछली बार पिछली क्लास में भी हमने समझाया था, उसमें कुछ 9th के वीडियोज़ भी हैं, 10th के वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, तो एक एक वीडियो को आप देखिए कौन सा चैप्टर किससे कवर हो रहा है। आपको टाइप क्या करना है, ई ए एस वाई, इजी इजी मैथ को हम इजी बना के ले रहे हैं, तो इजी मैथ तो है ही, और ये आईसीटी सैटेलाइट के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, तो आईसीटी बीच में आप लोगों को इसमें गिराना होगा। इसके बाद में बस इतना ही करना है आपको टाइप, उसमें एक से लेके 1 to 14 आप लोगों को अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, 1, 2, 3 अलग अलग टॉपिक के, जस्ट नोट कर लीजिए आप, इजी आईसीटी मैथ, बीच बीच में यहां पे थोड़ा सा गैप कर दीजिएगा और हम चित परिचित मुद्रा में उसमें आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे बच्चों, तो आप वो देख सकते हैं और फायदा आपको घर बैठे मिल सकता है, आप मर्जी है जब देख सकते हैं आप उसको। ये एम ए टी एच शायद आपको दिख नहीं, हाँ अब दिख रहा है, यस, तो ये बात समझ आ गई ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो अभी अंतराल के 1-2 मिनट बाद में हम फिर से हाजिर होते हैं, जाइए। स्वागत है बच्चों आप लोगों का आईसीटी की इस क्लास में। 4.2 एक्सरसाइज हमारी जस्ट अगले पेज पे ही स्थित है, पेज नंबर 85, एक दो पेज के बाद में 85 पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मूल वही रूट्स ज्ञात करने हैं यहां पे, यस, किससे, गुणनखंड विधि से बोला है।
और जब अगर कोई विधि पर्टिकुलर बोले नहीं ना, तो हम आजाद हैं किसी भी विधि से करने के लिए. यहां पे फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो. अब आपके वो जो सवाल किए थे ना बच्चों 30 आप लोगों ने, बस उसका परिणाम अब मिलने वाला है आप लोगों को कि ये सवाल कितने आसान लगेंगे. दो सवालों का शिकार एक साथ कर रहे हैं हम. एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो. टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. कम ऑन, समझिए. पहले इसको इससे गुणा किया तो माइनस के दस एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया माइनस बारह एक्स स्क्वायर. माइनस में चिन्ह आने का मतलब है एक टुकड़ा प्लस का होगा एक माइनस का. एक प्लस और एक माइनस मींस दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर तीन होना चाहिए. यहां दोनों का अंतर एक होना चाहिए. एक मींस अगल बगल की संख्याएं हैं, शायद चार दिया बारह है मे बी, और वही है बच्चों शायद नहीं. और इधर में पांच दुनी दस, बस फिर क्या था देखिए. एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो. हो गई मंजिल हमारे को माइनस दस एक्स स्क्वायर मिल गया और रिजल्ट माइनस तीन एक्स. अब एक्स कॉमन तो एक्स माइनस फाइव इधर प्लस टू कॉमन एक्स माइनस फाइव इधर बराबर जीरो. अब बराबर जीरो की आदत बना लीजिए बच्चों. ये गुणनखंड विधि से हम समझा रहे हैं. एक्स माइनस पांच इधर एक्स प्लस दो इधर बराबर जीरो. तो एक एक्स माइनस पांच बराबर जीरो और इधर एक्स प्लस दो बराबर जीरो. तो एक्स बराबर क्या हुआ बच्चों पांच और इधर एक्स बराबर माइनस दो. बस यही उत्तर चाहिए थे हमें, पांच और माइनस दो. एक्स के जो दो मान हमें प्राप्त हुए पांच माइनस दो. इन्हें मूल कहते हैं. शून्य कहते थे दूसरे चैप्टर में, इसमें मूल है. ठीक है उतारते रहिए. ये पांच अगर क्लियर नहीं दिख रहा है ये लीजिए. अब पांच दिख रहा होगा आपको. इधर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, आइए इसके गुणनखंड भी कर लेते हैं आप और हम मिलके. टू एक्स स्क्वायर प्लस का चार एक्स माइनस का तीन एक्स माइनस छह बराबर जीरो. दोनों में दो एक्स कॉमन तो एक्स प्लस दो. माइनस तीन कॉमन एक्स प्लस दो. दोनों ब्रैकेट एक से हो तभी आगे बढ़िए. ग्रीन लाइट, आगे बढ़ो. यहां पे भी देखो एक्स माइनस पांच एक्स माइनस पांच. यस आगे बढ़िए. एक्स प्लस दो और दूसरे ब्रैकेट में दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो. तो यहां पे दो अलग अलग पार्ट में हम इसको बांट देंगे. x प्लस दो बराबर जीरो और या दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो. तो इधर से x बराबर माइनस दो और इधर x बराबर माइनस तीन बटे दो. तो ये दोनों एक बार थोड़ा सा हम चेक कर लें बच्चों जरा. ये पॉजिटिव में आएगा ना. x का मान तीन बटे दो, प्लस का तीन और बटे दो. क्योंकि जब हमने टुकड़े एक प्लस और एक माइनस में किया ना तो दोनों एक ही चिन्ह के आ कैसे रहे थे. इससे हम चेक कर सकते हैं बच्चों इसको कि जा कैसे रहा है ये एक जैसे. हां बुक का आंसर शीट हम चेक करना चाहेंगे. पीछे से 4.2 में ये माइनस दो पांच माइनस दो पांच. अब बच्चों सुनो आंसर शीट में माइनस दो पहले है पांच. कुछ बच्चों का कहना है कि सर इधर का भी दिखाइए. हम उतार रहे दिखा रहे एक साथ दोनों दिखा देते हैं आप चिंता मत करो. तो इधर माइनस दो पहले पांच बाद में लिखा हो सकता है बच्चों, एक ही बात है. और इधर माइनस दो तीन बटे दो. बिल्कुल ठीक उतारिए. एक दो मिनट का वक्त हम दे रहे हैं, उतारिए जल्दी से. यहां ये बराबर शून्य है बच्चों.
कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट उतार चुके हैं. आइए फर्स्ट पार्ट की जगह हम थर्ड पार्ट लें. बच्चों इनके एक एक सवाल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उदाहरण सहित करना. छह नंबर की एक्सरसाइज है, छह नंबर मुश्किल से मिलते हैं बच्चों, तो आप कोई सवाल छोड़िएगा नहीं. एक एग्जाम्पल इस साल पूछा गया था जो दो तीन साल पहले भी बोर्ड की परीक्षा में आया था, और उसमें ना ये समझ में भी नहीं आता कि ये द्विघात समीकरण का सवाल है. व्रत पे आधारित है, जीवाओं पे, त्रिज्याओं पे आधारित, चक्कर खा गए हमारे कई नन्हे मुन्ने उसमें. यहां पे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो. कुछ बच्चों को इस सवाल में देख के ही, सर ये रूट वाले तो हमारे से आज तक ही नहीं हुए सर. तो बच्चों आज तो हो जाएंगे 30 जुलाई को. समझिए रूट टू इंटू फाइव रूट टू, पहले इनको गुणा कीजिए. अब बच्चों सुनो, अगर ये उतार लिया तो ठीक है, नहीं तो इधर इधर आ जाओ आप, बाद में एक दूसरे से उतार लेना. इसको इससे गुणा किया, फाइव रूट टू इंटू रूट टू, इसको गुणा करने में रूट टू इंटू रूट टू टू, और पांच दुने दस. बस हमें टोटल चाहिए सात, तो पांच दुनी दस ही टुकड़े हो गए, पांच दुनी दस. अब मैं ना दोनों ही पॉजिटिव, वो एक से दस मैंने सवाल लिए थे ना उस तरह का, टू एक्स इधर लिखा, फाइव एक्स इधर लिखा, और ये फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो. कुछ बच्चे यहां पे भी कि सर अगर ये पहले लिखे ये बाद में लिखे, अरे लिख देना, उसमें भी कॉमन आ जाएंगे अपने आप. अब सुनो बच्चों, यहां रूट है ना, इसका मतलब रूट वगैरह तक जा सकते हो आप कॉमन लेने में. ये जो टू है इसमें रूट टू इंटू रूट टू छुपा हुआ है, ठीक है. रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू टू, तो यहां पे रूट टू एक्स कॉमन, तो इधर से आया एक्स प्लस यहां पे वो रूट टू, टू अपॉन रूट टू वाला रूट टू यहां आ गया, प्लस पांच इनमें से कॉमन, तो ब्रैकेट में एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो. तो यहां क्या हुआ, एक्स प्लस रूट टू, क्या दोनों ब्रैकेट एक से दिख रहे हैं? हां जी एक से दिख रहे हैं, अंदर से ही आवाज आएगी, रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. तो यहां एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, और या रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. तो इधर से क्या बना बच्चों, एक्स की वैल्यू माइनस रूट टू, और इधर से एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू, माइनस फाइव अपॉन रूट टू. यस एक्स बराबर माइनस अंडर रूट दो, और एक्स बराबर माइनस का पांच बटे अंडर रूट दो. ये हमारे इसके मूल हो गए, माइनस रूट टू एंड माइनस फाइव अपॉन रूट टू. यहां पे दोनों पॉजिटिव में टुकड़े हुए थे ना, तो हमारे मूल नेगेटिव में आए. ये उन पे डिपेंड करता है बच्चों. आइए पुनः पुनः हम 4.2 का माइनस पांच बटे अंडर रूट दो और माइनस दो अंडर रूट का. इसी तरह से चौथा और पांचवा, वो बच्चों सुनो वो होल स्क्वायर बन सकते हैं. जब होल स्क्वायर बनते हैं ना तो दोनों मूल एक से ही आते हैं, समझिए. और आपके कई जगह से फोन हमारे पास में आ रहे हैं कि कई बेहतरीन नंबर लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स. तो बच्चों आपके जिनके 100 आउट ऑफ 100 आए वो हमारे को जरूर आप जिक्र कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए बच्चों ने. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वन अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो. पुनः पुनः देखिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बटे आठ बराबर जीरो. तो इसमें है ना, पहले ये बटे में एक बटे आठ है ना बच्चों, थोड़ा दिमाग खराब करता है हमारा. तो इसमें है ना, पहले या तो पूरे सभी पदों को आठ से गुणा कर दो, सभी पदों को आठ से गुणा कर दो, या फिर आठ लघुत्तम ले लो. तो इसके बटे में एक है, एक है एक तरह से. तो यहां पे कितना होगा बच्चों,
बताइए। हाँ हाँ 16x square और इधर 8x, यहां पे इसका भाग एक बार गया तो प्लस एक बराबर शून्य। अब ये 8 इस 0 से गुणा होकर बेचारा 0 हो गया। 16x square minus 8x plus 1 = 0। अब ये मत पूछना आप लोग 8 कहां गया, अरे ये 0 से गुणा होके अनंत में विलीन, मतलब 0 में विलीन हो गया बच्चों। 16x square minus 8x plus 1 = 0। अब इसके वही गुणनखंड, त्रिपदीय गुणनखंड कीजिए, तो यहां पे 16x square minus 4 चौक 16 4 4 = 16, तो यहां 4x कॉमन, तो 4x minus 1, इधर माइनस का बच्चों, जब दोनों टुकड़े एक जैसे बन रहे हैं ना बच्चों, तो उसके होल स्क्वायर की संभावनाएं हैं, यानी कि दोनों मूल एक जैसे आने की संभावना है। तो यहां पे माइनस एक और ब्रैकेट में भी 4x minus 1 = 0। तो यहां क्या रहा, 4x minus 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 4x minus 1 = 0। तो एक ब्रैकेट में 4x minus 1 = 0 और दूसरे में भी 4x minus 1 = 0। तो 4x = 1, तो x = 1/4 और इधर भी एज इट इज चल रहा है x = 1/4, तो दोनों मूल 1/4, 1/4 1/4। और अभी हमने आंसर शीट में फोर्थ के अपने आप ही देख ली थी बच्चों आपसे बिना बोले, तो ये उत्तर है उसमें छपे हुए 1/4 1/4। और इसी का भाई मतलब इसी का साथ ही एक पांचवा, उसको क्यों छोड़े हम, बाकी के सवाल हम अगली उस क्लास में लेंगे बच्चों, चिंता मत करो। आप ये सवाल नंबर जो दो, उदाहरण नंबर एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, वो खुद कर लेना बच्चों। उदाहरण नंबर एक जाओगे ना पीछे, तो उसमें ना दो सवाल दिए हुए हैं, उसके समीकरण तक तो बना रखे, तो आप गुणनखंड भी कर डालना उसके, कर देना आप, तो कर दोगे आप। अब पांचवा देख लो, देखो उतारा कि नहीं उतारा देख लीजिए जल्दी से। पांचवा हम आपको बता रहे हैं, 100x square minus 20x plus 1 = 0। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, यहां से मिल रहा है ये, इस जगह से इसको इससे गुणा किया, 100x square के ऐसे दो टुकड़े किए जिनमें टोटल 20 आए, ये 11 से 20 वाले जो सवाल लिए थे ना उस तरह का है सेकंड टाइप। तो 10 दाएं 100 -10x - 10x + 1 = 0। दोनों एक जैसे हो रहे हैं ना, तो इसका भविष्य मींस दोनों मूल एक जैसे आने की संभावना है। देखिए 10x कॉमन, तो 10x - 1 - 1 कॉमन 10x - 1, तो यहां एक ब्रैकेट में 10x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 10x - 1, तो दोनों गुणनखंड के बराबर 0, दोनों के बराबर 0। 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0। तो 10x = 1, x = 1/10 और इधर में वही 10x = 1, तो x = 1/10। बस फिर क्या था, देखते ही देखते 1/10, 1/10 उत्तर, 1/10 1/10 उत्तर है ना बच्चों। उतार लो, कुछ नन्हे मुन्नों ने वो भी नहीं उतारा, ये भी नहीं उतारा, उतार लीजिए। और बच्चों सुनो, जिस दिन हम आपको ये सवाल करवाए ना, उसके दिन नियम बना लो बच्चों, नियम बना ही लो आप, तो जिस दिन आपको सवाल करवाए उसी दिन घर पे जाके निकालने खुद, और किसी इधर उधर कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ रहा हो जिसको बेचारे को ये नहीं आते हो, उसकी मदद कर दिया करो बच्चों, ठीक है। तो उतार लिया होगा, नहीं तो आप सेल्फ भी कर सकते हो, सवाल हमने हर तरह के एक एक ले लिए इसमें सभी सवाल। दूसरा सवाल हमने आपको खुद के लिए करने के लिए छोड़ा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सवाल 4.2 का अगली क्लास में जब भी हम मिलेंगे
फिर से समझाएंगे, चिंता नहीं करिएगा, देखते रहिएगा आईसीटी की ये रेगुलर क्लासेस। नमस्कार बच्चों।